नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल से सुनील कुमार। छत्तीसगढ़ में पुलिस मुठभेड़ में एक आरोपी मारा गया, जिसके ऊपर इतने ज़्यादा जुर्म दर्ज थे, इतने ज़्यादा उसके खिलाफ रिकॉर्ड था पुलिस का जुर्म का, 35-36 केस, करीब 3 दर्जन केस उसके खिलाफ ऐसे दर्ज थे जिनमें से कुछ कत्ल के थे, कई कत्ल की कोशिश के थे, कुछ हथियारबंद लूट के थे, पुलिस वालों को मारने के थे, जेलर के घर में घुस के उसको मारने के थे, ऐसे बहुत सारे केस थे। छत्तीसगढ़ की उद्योग नगरी भिलाई का अमित जोश नाम का नौजवान ही था। अमित जोश नाम का ये क्रिमिनल था, एक निगरानी शुदा बदमाश था। अब मैं क्रिमिनल इसलिए कह रहा हूँ, इसके कितने मामलों में साबित हो पाया नहीं हो पाया मुझको नहीं मालूम है। दर्जनों मामलों में जो आरोपी है और कैमरे पर दर्ज है, CCTV रिकॉर्डिंग में है कि पुलिस पे हमला कर रहा है, किसी पे हमला कर रहा है, गोली चला रहा है। कहा जाता है कि कल शाम जब ये मुठभेड़ हुई भिलाई में, उस वक्त भी इसने पहले पुलिस पे गोली चलाई। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो निर्देश हैं उसके हिसाब से हर पुलिस मुठभेड़ मौत की एक मजिस्ट्रियल जांच होती है। मजिस्ट्रेट कहीं से निकल के नहीं आते हैं अदालत वगैरह से, डिप्टी कलेक्टर ही रहते हैं जो जांच करते हैं। बहुत ज़्यादा वजन उस जांच का नहीं रहता है, लेकिन औपचारिकता रहती है। आज तक मुझको याद नहीं पड़ता है कि किसी मजिस्ट्रियल जांच में पुलिस को गलत ठहराया गया हो, याद नहीं पड़ रहा। तो खैर, भिलाई में कल शाम को एक बदमाश मुजरिम अमित जोश नाम का, बहुत सारे जुर्म जिसके नाम पे दर्ज हैं, पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही थी, पिछले कुछ समय से फरार घूम रहा था, पुलिस को खबर लगी कि आया हुआ है, उसने पुलिस की गाड़ी पर गोली चलाई, उस गोली से छेद हो गया पुलिस की गाड़ी में, और पुलिस की गोलियों से ये आदमी मारा भी गया। तो मुठभेड़ हत्या कुछ लोग इसको कह रहे हैं, मैं इसको मुठभेड़ मौत कहूँगा, क्योंकि हत्या के पीछे एक नियत होती है किसी को मारने की। तो मुझको अभी नहीं दिखता है कि पुलिस की कोई नियत थी यहाँ मारने की। तो मीडिया को भी इसको मुठभेड़ हत्या नहीं लिखना चाहिए, मुठभेड़ मौत है ये, एनकाउंटर डेथ है ये, एनकाउंटर किलिंग नहीं है ये। लेकिन मैं दूसरा देख रहा हूँ, छत्तीसगढ़ के मैं आंकड़े देख रहा था। मुझको ध्यान है जब मैं रिपोर्टिंग करता था, 1988 की बात है, रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा तो तब नहीं करता था, कुछ और काम भी करने लगा था, लेकिन रिपोर्टर भी था उस समय। राजधानी रायपुर का जो सराफा है, उस सराफे में एक अंबा मंदिर है, उस मंदिर का जो कैंपस था वहाँ पर एक पुलिस वाले पे हमला करके वहीं का बगल का रहने वाला एक मुजरिम था, मुन्ना तिवारी नाम था शायद उसका, अगर मुझको ठीक से याद है तो। उसका एक भाई मेरे साथ कॉलेज में भी पढ़ता था, वो शरीफ था, लेकिन ये इसके नाम पे ढेरों दर्ज थे जुर्म। तो पुलिस की गोली से ये मारा गया था वहाँ पर। CPG उन्नी रायपुर के SP थे उस समय, और वहाँ पुलिस गोली से मारा गया था, एक पुलिस मुठभेड़ में मौत, ये बड़ी घटना थी, 1988 की बात है, बड़ी घटना थी ये। लेकिन इस पूरे छत्तीसगढ़ के इलाके में अगर हम पिछले 25 साल तो राज्य बने हो गए हैं, उसके पहले के 25 साल हम और गिन लें, 50 साल, इस आधी सदी में भी, तकरीबन आधी सदी में या कम से कम 40 वर्ष में कुल 5-6 ही ऐसे एनकाउंटर हुए हैं। नक्सल एनकाउंटर छोड़ दीजिए, वो तो रोज़ाना की बात है, लेकिन शहरी इलाकों में ऐसे एनकाउंटर बहुत कम होते हैं। और ये 5-6 एनकाउंटर जो मुझको याद पड़ रहे हैं, इसमें से 2-3 एनकाउंटर तो इसी भिलाई दुर्ग में ही हुए हैं। और ये पूरा का पूरा सिलसिला जो है, ये वहाँ पर एक तपन सरकार गिरोह है जिसका मुखिया तपन सरकार, जिसका नाम लेने में भी दुर्ग भिलाई के लोग डरते हैं। मैं थोड़ा सा 40 मिनट की दूरी पे हूँ वहाँ से, इसलिए मैं थोड़ा हिम्मत जुटा के नाम ले पा रहा हूँ। तो उसके गिरोह के लोग, उसके दुश्मन आपस में
किसी को ये मार रहे हैं, कोई इनके लोगों को मार रहे हैं। पुलिस मुठभेड़ में भी इसके गिरोह के एक या दो लोग मारे गए थे। भिलाई जैसा कि इंडस्ट्रियल टाउनशिप है पूरी की पूरी, बीएसपी भी है और एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ के नाम से आसपास सैकड़ों दूसरे उद्योग हैं। ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा कारोबार है, बहुत बड़ी चोरी होती है, कबाड़ का धंधा बहुत बड़ा होता है, यूनियनबाजी बहुत बड़ी होती है, कई तरह के क्राइम वहाँ पर बहुत बड़े होते हैं। ऐसे में माफिया को पनपने का मौका भी मिलता है। तो वहाँ पे कुछ इस किस्म के मवाली, इस किस्म के गिरोहबाज हैं जो जेल के भीतर से राज करते थे। ये तपन सरकार जो मैं नाम ले रहा हूँ, कई ऐसी शिकायतें हैं, कई ऐसे केस दर्ज हैं कि जेल के भीतर से गिरोह अपना चलाता था। आपको याद है ना, वो लॉरेंस बिश्नोई अभी गुजरात के साबरमती जेल में बंद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया के कई देशों में वो कत्ल करवा रहा है, देश में तो करवा ही रहा है, ऐसी चर्चा है। मैं नहीं जानता, मिला नहीं हूँ उससे मैं। तो ये एनकाउंटर की नौबत 35-36 केस थे, गिरफ्तार हो गए, जेल चले गए, जेल से छूट के आ गए, फिर गिरफ्तार हो गए। कई लोगों को लगता है, मैंने आम लोगों से देखा है, लोगों को लगता है जो आदतन मुजरिम हो जाते हैं उनको ऐसे ही निपटा देना चाहिए, एनकाउंटर कर देना चाहिए। अभी आपको ध्यान है, सरगुजा में एक कबाड़ी ने जो NSUI से जुड़ा हुआ था, उसने एक पुलिस वाले के घर में घुसकर उसकी बीवी और बेटी का भयानक भयानक मर्डर किया। मैं बहुत चर्चा उसकी नहीं कर पाऊंगा, आप सुन नहीं पाएंगे। उसके बारे में लोग कह रहे थे कि पुलिस ने अपने आप पर काबू कैसे किया। जब बस में वो मिल गया, बस से उसको उतार लिए, गिरफ्तार कर लिए, तो उसका एनकाउंटर क्यों नहीं कर दिए? लोगों ने फतवे जारी किए थे। एक पुलिस परिवार संगठन है, उसने एक फतवा जारी किया था कि जो उसको मुठभेड़ में मारेगा उसको 1,11,000 रुपया देंगे। लेकिन सरगुजा की पुलिस की मैं तारीफ करूंगा कि उन्होंने मुठभेड़ हत्या की नहीं उसकी, सोच समझ कर, जबकि उत्तेजना बहुत थी वहाँ पर, लोगों में तकलीफ बहुत थी। पुलिस परिवार की बीवी और बेटी को जिस तरह से मारा गया था उसकी चर्चा भी करना मुश्किल है, तस्वीरें भी आप देख नहीं सकते, लेकिन पुलिस ने मारा नहीं उसको। और मैं बतलाऊं आपको, अगर पुलिस मारना जा करती यहाँ पर, बहुत सारे लोगों को ऐसे निपटा सकती थी। बहुत सारे गुंडे, ऐसे स्थापित गुंडे हैं जिनका सिक्का चलता है, उनको मार सकती थी पुलिस यहाँ पर। नहीं मारा है किसी ने, वो शहरी इलाकों में तो बिल्कुल ही नहीं मारा है, कोई ऐसा एनकाउंटर नहीं किया है जिसमें किसी मुजरिम को सोच समझकर उड़ा दिया हो, मार दिया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं किया है। जब सच में ही मुठभेड़ हुई है, खतरा हुआ है पुलिस पे गोली चली है, कहीं मार भी डाला था। ये जो आधा दर्जन 5 या 6 एनकाउंटर मैं गिना रहा हूँ, इसमें किसी में तो पुलिस को मार भी डाला था, तो पुलिस को गोली चला के मारना पड़ा। तो छत्तीसगढ़ की पुलिस जो है वो नागरिक इलाकों में, बस्तर के इलाके में आरोप लगते रहते हैं, मैं उसको अभी अलग रख रहा हूँ, नागरिक इलाकों में मुठभेड़ हत्या के लिए जानी नहीं जाती है। मैं एक दूसरी बात आपको बतलाता हूँ कि मुठभेड़ हत्या होती कैसी है, थोड़ा समझ लीजिए उसको। उत्तर प्रदेश में 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, 14 अप्रैल 2023 तक के आंकड़े हैं मेरे पास में, 10,900 पुलिस एनकाउंटर हुए, 10,900 छः साल में 10,900 पुलिस एनकाउंटर हुए, 183 लोगों को मार डाला वहाँ पे। अब वो हत्या थी कि मुठभेड़ में मारे गए, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता। 183 लोग मारे गए उसमें, वो मार दिए गए कि मर गए, जो भी हुआ हो। आपको ध्यान है ना, एक तो गाड़ी पलट गई, इसकी गाड़ी क्यों नहीं पलटी गई, याद है आपको? एक कोई मुजरिम था बहुत बड़ा, यूपी का, दुबे नाम था, क्या था उसका, वो उज्जैन में महाकाल के दर्शन करके लौट रहा था, उसने बहुत सारे लोगों को मारा था, पुलिस पर बम फेंके थे,
याद है आपको, उत्तर प्रदेश का था। उत्तर प्रदेश पुलिस जब लेके जा रही थी महाकाल से, उज्जैन से, रास्ते में गाड़ी पलटी, मर गया, कुछ हुआ, याद है आपको ऐसा? 10,900 पुलिस मुठभेड़, 183 लोग मारे गए 6 साल में। इधर हमारे यहाँ देखेंगे आप 50-60 साल में आधा दर्जन और एक दो जुड़ जाएंगे पहले के, उससे ज़्यादा नहीं है। तो छत्तीसगढ़ जो है मुठभेड़ हत्याओं वाला प्रदेश नहीं है। मैं फिर एक बार डिस्क्लेमर एक सामने रख देता हूँ, मैं बस्तर के नक्सल मोर्चे को जोड़कर नहीं देख रहा हूँ, वहाँ के बारे में ये सुप्रीम कोर्ट और NHRC तक ये साबित हो चुका है कि कई जगहों पे तो पुलिस ने बेकसूर निहत्थे लोगों को थोक में, 16 या 18 लोगों को थोक में एक साथ मार दिया था। मैं उसको भी अभी हत्या नहीं कहूँगा कि हत्या करने की नियत से मारा था, गलतफहमी में मार दिया होगा, किसी को हत्या करने के लिए भी मारा होगा, वो एक मोर्चा अलग है। मैं बाकी प्रदेश को उस मोर्चे से जोड़कर नहीं देख रहा हूँ। तो कल जो मुठभेड़ हत्या हुई है उसने लोगों को बड़ा हौसला दिया है, आम लोगों को, कि जो बड़े गुंडे हैं जो नहीं सुधरते हैं उनका यही करना चाहिए, छोटी बच्चियों का जो बलात्कार करते हैं उनका यही करना चाहिए। लोग जो हैं वो पुलिस को, सरकार को विविध भारती मान लेते हैं कि फरमाइशी कार्यक्रम चल रहा है, एक पोस्ट कार्ड लिखो बुलडोजर और एक पोस्ट कार्ड लिखो एनकाउंटर। तो एनकाउंटर और बुलडोजर यही दो जो हैं फरमाइश में सबसे आगे रहते हैं। लेकिन मैं पुलिस के सब्र की तारीफ करूंगा कि वो अगर मुंबई पुलिस की तरह या यूपी पुलिस की तरह अगर अंधाधुंध लोगों को मारते रहती तो बहुत सारी गाड़ियां यहां भी पलटती। मुझको सरगुजा का जो जुर्म है उससे बड़ा जुर्म तो मुझको पूरे देश का याद नहीं पड़ता कि जो ड्यूटी कर रहा था हेड कांस्टेबल, उसकी बीवी और बेटी को जिस भयानक तरीके से घर में घुस के मारा, कुलदीप साहू नाम था, क्या नाम था ठीक से याद नहीं है मुझको, NSUI से जुड़ा हुआ था, NSUI के और लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। मैं नहीं जानता कि उसके NSUI से जुड़े रहने और NSUI के लोगों ने कत्ल में और भागने में और सबूत नष्ट करने में जो मदद की, तो NSUI का प्रदेश का अध्यक्ष रहा हुआ अभी रायपुर से उपचुनाव लड़ रहा है, रायपुर दक्षिण से, तो वहाँ की छाया कुछ यहाँ आएगी कि नहीं मुझको नहीं मालूम है, लेकिन चुनाव मेरा मुद्दा नहीं है। मैं लोगों से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि आप बुलडोज़र और एनकाउंटर ये दो तरह के इंसाफ की ज़्यादा उम्मीद न रखें। आपको बतलाऊँ मैं, जब तक ये बुलडोज़र की दिशा किसी दूसरे के तरफ है ना तब तक आपको अच्छा लग रहा है, किसी दिन आपके घर दुकान मकान की तरफ हो जाएगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। जब तक एनकाउंटर में मौत किसी दूसरे की हो रही है आपको ठीक लग रहा है, किसी दिन आपके किसी करीबी हमदर्द की ऐसे मौत होगी एनकाउंटर में तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। 6 बरस में 183 एनकाउंटर किलिंग, मैं ये वेबसाइट NDTV की पढ़ के बतला रहा हूँ, मैं मेरी भाषा नहीं है, 183 क्रिमिनल्स किल्ड इन उत्तर प्रदेश सिंस 2017। ये ठीक है कि कल एक बदमाश मारा गया, आदतन मुजरिम था, निगरानी शुदा बदमाश था, उसके मुजरिम होने में कोई शक नहीं था, लेकिन पुलिस ने उसको सोच समझ के मार डालने के लिए नहीं मारा, उसको घेरा, उसकी तरफ से गोली चली, दोनों तरफ की गोलियों में वो मारा गया। कोई सोच समझ के पुलिस ने साजिश करके मारा हो ऐसा पहली नज़र में मुझको नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझको लग रहा है कि इस मौत को दुर्ग की पुलिस ने एक कामयाबी की तरह जो पेश किया है, मैं कामयाबी उसको मानता असली जब इसको जिंदा पकड़ लिया जाता, हो सकता है मुमकिन ना हो, लेकिन किसी को मार कर उसको पकड़ा गया ये इसको मैं दूसरे दर्जे की कामयाबी मानता हूँ। पहले दर्जे की कामयाबी जिंदा पकड़ना था। इतने इतने जुर्म होते हैं, हमारी अदालती व्यवस्था ऐसी है कि तमाम मुजरिम छूट छूट के बाहर आ जाते हैं। आपने देखा ना कुछ दिन पहले एक बलात्कारी छूट के आया पैरोल पर,
सजा हो चुकी है, पैरोल पर छूट के आया। घर पहुंचते ही 10-11 साल की बेटी और भतीजी दोनों से फिर बलात्कार कर लिया। लोकतंत्र में रियायत मिलती है सबको, जमानत मिलती है, पैरोल मिलता है, रियायत मिलती है, सबूत कमज़ोर रहने से छूट जाते हैं कई लोग। लेकिन जिस तरह का गैंग वार चलता है, जिस तरह के गैंगस्टर हो रहे हैं, मुझको लगता है इनकी कमर तोड़ना ज़रूरी है। समय समय पे एक दूसरे पर तोहमत लगती है। राजनीतिक दल कहते हैं कि ये फलानी पार्टी का पसंदीदा था, ये उस पार्टी से जुड़ा हुआ था। मुझको लगता है कि लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे बड़े बड़े खूंखार मुजरिम जिस नेता के करीबी हैं उस नेता को हराओ। चुनाव में कोई भी पार्टी के हों, उस नेता को हराओ। जो जुर्म के मददगार हैं उनको हराओ, यही एक तरीका हो सकता है। न्याय व्यवस्था तो तमाम मुजरिमों को भी संदेह का लाभ देते रहेगी। तो फिलहाल इस मुठभेड़ को लेकर मुझको बहुत ज़्यादा नहीं कहना है, क्योंकि मुठभेड़ हुई है हमारे इलाके में, हमारे पड़ोस में, और मैं यूपी में नहीं बसा हूँ, इसलिए मुठभेड़ यहाँ पर अधिक महत्वपूर्ण है। मैं मुंबई में रहता, अब तक 56 जहाँ पर एक कोई फिल्म बनी थी किसी के ऊपर, मैंने शायद पहले एक बार कहा था कि वहाँ का एक अफसर मुझको मिला था जो मुंबई की एनकाउंटर किलिंग में दूसरे या तीसरे नंबर का था, शायद 45, 40, 48 ऐसे कुछ किलिंग उसके नाम पर दर्ज थी अंडरवर्ल्ड के मुजरिमों की। फिलहाल आपको कानून के राज पर अधिक भरोसा करना चाहिए, नेताओं पर दबाव डालना चाहिए कि मुजरिमों को बचाना बंद करो। चाहे जो भी पार्टी सत्ता में हो, विपक्ष में हो, सबके पसंदीदा रहते हैं मुजरिम, इनका हौसला पस्त करना चाहिए। जागरूकता लानी चाहिए कि सरकार अगर काम नहीं कर रही है ठीक से, विपक्ष अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। अभी चुनाव आने वाला है पंचायत का और म्यूनिसिपल का, ये सही मौका रहेगा। अगर आपकी जानकारी में कोई भी नेता ऐसे हैं किसी भी पार्टी के जो मुजरिमों का साथ देने के लिए बदनाम है, उनको निपटा दीजिएगा इस चुनाव में, यही एक तरीका है लोकतंत्र में। जनता जो है, जनता और नेता की मुठभेड़ 5 साल में एक बार होती है, तय रहती है, घोषणा होके होती है वो, आप उसमें बिना लहू बहाए निपटा सकते हैं। तो बस आज मैं उसी एक मुठभेड़ की वकालत कर रहा हूँ, ब्लडलेस, बिना खून का एक ऐसा मुठभेड़, एक ऐसा एनकाउंटर जिसमें आप मुजरिमों के मददगार लोगों को हरा सकते हैं। सब पार्टी में होंगे, बिना पार्टी वाले भी होंगे, चुनाव लड़ेंगे वो या चुनाव में साथ देंगे किसी का, निपटा दीजिएगा सबको, फिर मिलेंगे। मेरी ये बात अगर आपको ठीक लगी होगी तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को इसको भेजिएगा। हो सकता है कि वो और लोगों को भेजे और सबके बीच में ये चर्चा हो कि मुजरिमों को हराना है। मुजरिमों के जो आका हैं, जो रहनुमा हैं, जो मुजरिमों को बचाने के लिए बदनाम है, उनको आप हरा तो सकते ही हैं, मैं हिंसा करने तो नहीं कह रहा। चलते चलते एक छोटी सी बात और, अगर आप दुपहियों पर चलते हैं, चलाएं चाहे पीछे बैठे, हेलमेट लगा कर रखिए। मैंने आज ही हमारे अखबार छत्तीसगढ़ में इसी मुद्दे पर पूरा का पूरा एडिटोरियल लिखा है संपादकीय, वो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के एक मामले जिसकी सुनवाई चल रही है, उसमें अदालत ने जो कहा है वहाँ से मैंने शुरू किया है। उसको समय निकाल कर हमारी वेबसाइट पर आप पढ़िएगा, मैंने बड़े दिल से लिखा है। मैं चाहता हूँ आप सुरक्षित रहें, आपके आसपास के लोग सुरक्षित रहें। मैं यहाँ बोलता तो रोज ही हूँ आधा मिनट एक मिनट, लेकिन वो संपादकीय जो है उसको अपने दोस्तों को भेजिएगा। हो सकता है उसमें से 4 लोग भी हेलमेट लगाना चालू कर दें, उनकी ज़िंदगी बचे, तो आपको उनका पुण्य मिलेगा। फिर मिलेंगे।